हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे, देखो चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैप्टर 3 भी हो गया है और आई गेस हम चैप्टर 4 पर हैं, राइट? हमने बिजनेस सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर 2 है, इसका ना एक एक्चुअली टॉपिक रह गया था। आपको अगर याद हो तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। जो हमारा प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये उसके ना टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और फिर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी पढ़ा, जिसे हम सिंपली कंपनी के नाम से जानते हैं। पर ये जो फिफ्थ वाला आपका टॉपिक है ना, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये ना एक्चुअली इसका जो वीडियो है ना वो मुझसे ही गलती से डिलीट हो गया था, और फिर इसका जो PPT है वो भी मुझसे डिलीट हो गया। नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट नहीं किए, तो फिर एक दो स्टूडेंट्स के मेरे पास एक दो नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आई कि प्लीज़ ये वाला वीडियो री अपलोड कर दो या फिर दोबारा से शूट करके आप अपलोड कर दो। तो इसीलिए मैंने सोचा दोबारा से शूट कर लेते हैं। तो सिंपली इस वीडियो में हम सिर्फ यही वाला टॉपिक कवर करेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, क्योंकि ये जो चारों टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। इसके वीडियोज़ हैं भी यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट के लिंक पर देख लेना, ठीक है? अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ की। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें याद नहीं हैं, ये चारों फॉर्म्स, तो आप वो भी रिवाइज़ कर लेना। नहीं है, अगर रिवाइज़ नहीं करना है या जो भी है याद नहीं है, तो लास्ट में मैं इन पांचों का डिफरेंसेस कराऊंगी, उससे आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी अच्छे से। तो अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती क्या है, ठीक है? जॉइंट स्टॉक कंपनी सिंपली कंपनी बोल रहे, ठीक? जब हम देखो बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो ये क्या है, इट इज़ मेंट एन एसोसिएशन। सबसे पहली बात, एक एसोसिएशन है, मतलब काफ़ी सारे इसमें लोग, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों, तो ये एसोसिएशन है ऑफ मैनी पर्सन्स जो कि क्या कर रहे हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर अ कॉमन पर्पज। अब इस पूरी लाइन को, इस पूरी डेफिनेशन को एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसके लिए, वो अपना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉमन पर्पज के लिए, ठीक है? उसको पैसे को आगे बढ़ा रहे हैं, पैसे को यूज़ कर रहे हैं कॉमन पर्पज के लिए, वो होती है कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है? और इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ अ वॉलंट्री एसोसिएशन। वॉलंट्री मतलब खुद से हम कर रहे हैं जान करके, ठीक है? ऐसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा रहा है, वॉलंटरीली कर रहे हैं। वॉलंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कमाएंगे ऑब्वियसली, हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। अब देखो अभी के लिए ये जो दोनों डेफिनेशन बताई ना उन्हें भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो जो मैं बोल रही हूँ कि कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सनस है जो कि क्या करते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट देयर मनी टू अ कॉमन, फॉर अ कॉमन पर्पज, ठीक है? एंड यूज़ इट फॉर अ कॉमन पर्पज, सिर्फ इतना याद रखो। अब आगे हम इसके ना सबसे पहले फीचर्स पढ़ते हैं। जब आप फीचर्स समझ लोगे ना, ऑनेस्टली आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है? फिर हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला देखो फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस, फिर है आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक एक करके समझते हैं। वैसे इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों का आपको मतलब पता होगा, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने बाकी की जो चार फॉर्म्स हैं प्रीवियस, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पार्टनरशिप, उसमें भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो हम अब एक एक करके समझते हैं सारे फीचर्स। सबसे पहला हमारा फीचर आता है भाई सेपरेट लीगल एंटिटी। तो देखो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को इसके ओनर्स के नाम से जाना जाएगा, नहीं, ओनर्स अलग है और कंपनी अलग है। ये देखो ये यहाँ पे क्या है, ये तो है इसके ओनर्स, ठीक है? ये हो गए इसके ओनर्स और ये है इसकी ओनर्स की कंपनी। तो ये जो कंपनी है इसको ओनर्स के नाम से नहीं जाना जाएगा, कंपनी खुद में एक मतलब एंटिटी है, खुद में एक इंसान है, ये मान लो खुद अलग एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अलग इसकी एग्जिस्टेंस है। तो ओनर्स और कंपनी क्या है, अलग अलग हैं। अ कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, जो कि ओनर से अलग आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है? विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो एक कंपनी की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैंने देखो अभी क्या बताया, ये क्या है, कंपनी है, कंपनी जो है ना ये एक अलग इंसान है, अलग इसकी ना लॉ में इसकी अलग एक पहचान होती है कि भाई ये अलग है, ओनर्स अलग है, लॉ के अंदर इन दोनों को अलग अलग पहचान दी गई है, कंपनी को ओनर के नाम से नहीं जाना जाएगा, यही हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। पर ये जब अलग इंसान है तो कंपनी क्या करेगी, अपने नाम पर पे बहुत सारी चीज़ें करेगी, लाइक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, डील्स करेगी। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब सिग्नेचर करना पड़ेगा तो कंपनी, क्योंकि जीती जागती इंसान तो है नहीं, हम जीती जागती इंसान नहीं है तो कैसी इंसान है, कौन साइन करेगा, कैसे होगा सारा काम। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल ऐसे ये खुद से एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले से बचपन से पैदा तो नहीं हुई, इसे क्या किया, बनाया गया है, ये आर्टिफिशियल इंसान है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज़ लीगल स्टेटस, इसके पास लीगल स्टेटस है, लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, बट इट डज नॉट फंक्शन लाइक ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है ह्यूमन बींग है, ये ह्यूमन बींग नहीं है, ये आर्टिफिशियल बींग है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डन बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ कंपनी। तो जो भी काम कर रहे हैं ओनर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करेंगे, कंपनी के नाम पर करेंगे। अब कंपनी खुद से तो इंसान ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई और ही करेगा, वो ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, और कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। अब बात आती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, हमने हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन देखा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी ही नहीं होता है, पार्टनरशिप में आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, राइट। तो रजिस्ट्रेशन की अगर जब हम बात करें कंपनी में, तो कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है कंपल्सरी, याद रखना है कंपल्सरी होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय फुलफिलिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसको किस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपने याद रखना है, ये कंपलसरी होता है, ऑप्शन नहीं है कि भाई लेना है लो, नहीं लेना मत लो, ऐसा पार्टनरशिप में होता है, पर हमें यहाँ पे नहीं करना है, कंपनी में रजिस्ट्रेशन चाहिए ही हैगा, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कॉमन सील। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई कंपनी खुद से इंसान है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जो भी काम होता है इसके नाम पे होता है, अब ये खुद तो कुछ नहीं करेगी, ये जीती जागती इंसान नहीं, आर्टिफिशियल इंसान है, तो खुद से साइन कैसे कर सकती है, नहीं करेगी, खुद से साइन नहीं कर सकती, इसीलिए इसके नाम की ना एक सील बना ली जाती है, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट डील या कुछ भी हम जो करेंगे इसके नाम पे, तो वो ठप्पा लगा देंगे, सील लगा देंगे, स्टैम्प, तो हमें पता चलेगा अच्छा ठीक है ये कंपनी के नाम पे हो रहा है। तो कॉमन सील क्या होती है, एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट कैन नॉट हैव अ साइन ऑफ इट्स ओन, खुद के साइन तो हो नहीं सकते, हैंस कॉमन सील एक्ट्स एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर फॉर अ कंपनी, ये इसका ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि खुद से साइन कैसे करेगी, कंपनी जीती जागती इंसान नहीं है। ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ कॉमन सील फॉर लीगल बाइंडिंग, तो कॉमन सील होनी ही चाहिए। अब हम लोग अगर अपने नाम पर कुछ काम करते हैं, कहीं भी हमारा कोई ऑफिशियल काम है उस पर हमारी सिग्नेचर चाहिए, तो हम तो कर सकते हैं, हम इंसान है, पर ये इंसान नहीं है, हालांकि इसकी अलग पहचान है लॉ में, अलग एंटिटी है, पर ये आर्टिफिशियल एंटिटी है, मैंने बताया आर्टिफिशियल पर्सन है, ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए इसके नाम पे कॉमन सील होती है। नेक्स्ट आता है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, देखो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंपनी होती है ना, इसको लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया गया और लॉ के द्वारा ही ये बंद हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी वुंड अप बाय लॉ ओनली, उसी के द्वारा ही बंद की जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ मेंबर्स। तो कुल मिला के साफ सीधी बात यह है कि मेंबर्स क्योंकि अलग हैं इसके, मैंने बताया ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स सब अलग हैं, ठीक है, और जो आप कंपनी है वो अलग है, तो कंपनी का इन लोगों से, मेंबर्स ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये अगर शुरू हो रही है या फिर बंद हो रही है तो वो सिर्फ लॉ की वजह से होंगी, ठीक है, मतलब भी कह लो इसके मम्मी पापा लॉ है, लॉ ने ही इसको बनाया है, लॉ ही इसको ख़त्म करेगा, इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मान लो किराएदार है, बस रहने आ गए ऐसे, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसके शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो इस यहाँ पे जो कोई भी कंपनी होती है, देखो ये है आपकी कंपनी, अब ये क्या है, कंपनी का जो पूरा कैपिटल है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें होती है वो क्या है, अलग अलग ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं अलग अलग शेयर्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, कितना किसका शेयर है ये मान लो अलग अलग शेयर्स में डिवाइडेड होती है। अभी जो शेयर्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं,
कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल, मतलब एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपने शेयर्स बेच दूंगी, किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, समझ आया। मुझे नए शेयर्स खरीदने तो मैं किसी और से खरीद लूँगी, मेरे पास शेयर्स आ जाएंगे, पैसा चला जाएगा। तो शेयर्स क्या होते हैं यहाँ पर, ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है, शेयर्स में डिवाइडेड होती है, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बट अभी जो मैंने बताया ना ट्रांसफरेबल, दे आर ओनली ट्रांसफरेबल इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अभी पब्लिक कंपनी कहाँ से आगे देखो, अभी आगे पढ़ोगे कंपनी जो पढ़ रहा है ना टॉपिक, उसमें दो तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी जो है उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अगर आप लिखते हो टॉप पॉइंट फीचर्स में, तो आप ये मेंशन ज़रूर करना कि द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंट्री पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल, वेयर इज द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। ये ज़रूर मेंशन करना है, पब्लिक के ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट के नॉन ट्रांसफरेबल है, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये भी मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये कंपनी है, ठीक है। अब क्या है, कुछ इसके ओनर्स हैं, राइट, और कुछ क्या है इसके मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स। अब ओनर्स कौन होते हैं और मैनेजर्स कौन हैं, सबसे बड़ी बात ये। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपको याद हो तो उसमें क्या है, एक ही बंदा है, वही ओनर है, वही मैनेज कर रहा है, वही मैनेजर है, सब कुछ वही है। पर कंपनी में ऐसा नहीं चलता, ओनर्स यहाँ पे कौन होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं ना वो ओनर्स कहलाएंगे। मैनेजर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो मैनेज करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेगा, जो भी डायरेक्टर्स हैं वो मैनेज करेंगे। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं उस कंपनी के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ओनर्स आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अभी जो शेयर होल्डर्स हैं ना, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कुछ लोग, जिन्हें हम डायरेक्टर बना देते हैं, तो वो डायरेक्टर लोग मैनेज करते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, ओनर कौन है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं, वही डायरेक्टर लोग मैनेज करते हैं। तो शेयर होल्डर्स तो ओन करेंगे, डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स नोन एज डायरेक्टर और कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे, उनका बोर्ड हो गया और अलग अलग उनको डायरेक्टर बोलता है। तो सिंपल सी कहानी है, ओनर क्या है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके मैनेजर्स, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वही लोग मैनेज करते हैं, राइट। इतनी सी कहानी। लास्ट आपका पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होती है क्या, नहीं, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो जो मेन होता है इंसान करता, राइट, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। पर इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी ना सबकी लिमिटेड होती है, मतलब जितना जितना वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही परसेंटेज उनका शेयर होगा लाइबिलिटी में, मान लो, ठीक है। मान लो उनका जो बिजनेस है, कंपनी है, उसको घाटा हो रहा है, वो लॉस में चल रही है, कर्जदार आ गए, दरवाज़ा ठोका पीटी कर रहे हैं, भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, तो वो लोग कितना पैसा देंगे, जितने के लिए वो लाइबल है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उनका घर बार नहीं बिकेगा, उनकी गाड़ी नहीं बिकेगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इतनी सी कहानी थी, ये हो गए आपके सारे फीचर्स। तो फीचर्स आपको समझ आ गए होंगे, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कॉमन सील होती है क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि क्या होता है, यहाँ पे मेंबर्स अलग है, मेंबर्स के होने ना होने से, मरने से जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओनरशिप एंड कंट्रोल अलग है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके हाँ, अब देखो मैंने बताया था कि डेफिनेशन जो है अब हम समझेंगे, फीचर्स समझ लीजिए ना, अब फीचर्स से देखो डेफिनेशन ईजी रहेगी आपके लिए। ये क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनटेंजिबल है, इसे हम छू नहीं सकते, मतलब हाँ राइट, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, इनविजिबल है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की नज़र में है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, असली इंसान नहीं है। और इसकी क्या हो सकती है डेफिनेशन, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो देखो ये वाली जो डेफिनेशन है
मुझे सबसे इजीएस्ट लगी। इसमें क्या है, सारे फीचर्स भी आ गए, ऑलमोस्ट 4 फीचर्स आ गए हैं आपके। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन है ये हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, तो चारों फीचर्स भी आ गए। फीचर्स भी याद रहेंगे, उससे डेफिनेशन भी याद रहेगी। तो ये याद रख लो सिंपल से, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, और एक आध चीज़ें ऐड कर दो, मतलब कुछ भी विच नीड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड हैव अ कॉमन सील, तो इस हिसाब से आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी और फीचर्स भी याद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, देखो इसके मेरिट्स की। मेरिट्स और डीमेरिट्स बेसिकली फीचर्स से ही आए हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। देखो मेरिट्स क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लिमिटेड लाइबिलिटी जस्ट अभी हमने पढ़ा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ये भी हमने पढ़ा, एफिशिएंट मैनेजमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड परपेचुअल सक्सेशन ये हमने पढ़ा। क्या क्या है, देखो बहुत ईजी है, ईजीएस्ट इन फैक्ट। सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो समझ में आ गया कि भाई लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो मेंबर्स क्या है वो सेफ है, उनका घर बार में बिकेगा। तो शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी जो होती है, इट इज़ लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दस देर इज़ नो रिस्क ऑफ लूजिंग पर्सनल असेट्स। तो उनके पर्सनल जो असेट्स हैं, घर बार, गाड़ी, ये सब चीज़ें नहीं बिकेंगी, वो रिस्क उनको नहीं है। तो ये तो पहला फ़ायदा हो गया, पहला मेरिट हो गया। दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि शेयर्स कुल मिला के, शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो इजीली ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस परसू कर सकती है। लार्ज स्केल ऑपरेशंस क्यों कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी है, इसके पास काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने पैसा उसमें लगा रखा है, और इस ये क्योंकि लार्ज स्केल पर है, तो यहाँ पे क्या है, उनके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है ना, तो कैपिटल भी ज़्यादा होगी। अब कैपिटल ज़्यादा होगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो भी काम होगा ना, लाइक मैनेजमेंट का, किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए ना अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स और स्पेशलाइज लोगों को हायर करेंगे। तो जो मैनेजमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, स्मूथ होगा, अच्छा होगा, समझ रहे हो। तो लार्ज स्केल ऑपरेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, और स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स को ये लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खूब भर भर के पैसा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, इनको कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, तो ये लोग इजीली ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, और इसीलिए मैनेजमेंट एफिशिएंटली हो पा, इनको कोई कमी नहीं है पैसे की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जस्ट अभी मैंने बताया कि भाई इनके पास खूब पैसा है, ये लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छे खासे मैनेजमेंट मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स को, तो इनके पास क्या है, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और इनका जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है ना, वो भी काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है, ये आगे ग्रो कर सकता है और अपना बिजनेस कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये भी मैंने बता दिया कि इट कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, खूब सारा पैसे ही कमा सकती है, कैसे, शेयर्स वगैरह बेच दिए, ठीक है, और या फिर फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, क्योंकि कंपनी है, बड़ी कंपनी होती हैं, राइट, तो क्या करते हैं ये लोग, बैंक से भी और अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी ये लोग बोरो कर सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड होता है, फंड रेज कर सकते हैं और इसी को ही आगे ग्रो करने में, एक्सपेंड करने में यूज़ कर सकते हैं, अपने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं, ठीक। फिर आता है आपका परपेचुअल सक्सेशन, ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई इसका जो एग्जिस्टेंस है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर्स, उससे कोई लेना देना नहीं है, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। शेयर होल्डर्स क्या है, ओनर्स ही तो हैं, नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे और शेयर्स खरीद लेंगे, नए ओनर्स आ जाएंगे, तो एक ओनर किसी के भी जाने से आने से कंपनी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका परपेचुअल सक्सेशन है, ओके। फिर आते हैं इसके देखो डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स की जब मैं बात करती हूँ, तो डीमेरिट्स क्या क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, न्यूमरस रेगुलेशन, डिले इन डिसीजन मेकिंग, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी इजी है बहुत, देखो ये भी इजीली समझ आ जाएंगे, कोई इसमें हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, क्यों भाई कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है फॉर्मेशन में, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, फुलफिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, या फिर बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है, तो इसमें क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, विच मेक्स द प्रोसीजर लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने बताया रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं खुलेगी तुम्हारी, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही बहुत बहुत लंबा है, तो क्या होगा, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रोसेस।
पे आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती, ऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक दैट देर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी। जो भी आपका वो होता है इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो क्या होता है जनरल पब्लिक को बताई जाती है, ठीक है, बतानी ज़रूरी होती है। आप कोई सी भी कंपनी उठा के देख लो, लाइक देखो रिलायंस को देख लो, आपको रिलायंस का सारा डेटा मिल जाएगा अगर आप अभी इंटरनेट पर सर्च करने लगोगे, पिछले जब से वो खुली हुई है, जब से पैदा हुई है ना, तब से अब तक का, कि उसको इस साल में कितना घाटा हुआ है, कितना उसको रेवेन्यू हुआ है, कितना उसने कर्जा उठाया है, कितना उसने ये किया है, कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मतलब सब चीज़ पता चल जाएगा आपको अभी तक का। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक उनको मतलब दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि हम इस स्टेटस हमारा ये है, हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना लॉस में चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जिससे कि लोगों को इन पर भरोसा हो, पता चले। और यही कारण है कि ये सीक्रेसी नहीं रहती है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि बिजनेस अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड नॉट ओनर्स, दस इट लैक्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। तो सिंपली जो बिजनेस अफेयर्स मतलब बिजनेस कंपनी से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स तो नहीं कर रहे, शेयर होल्डर्स कौन है, ओनर, तो ये ओनर नहीं करते। ओनर कौन है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स कोई काम नहीं करते, ओनर्स कोई काम नहीं करते, कौन करता है, प्रोफेशनल्स करते हैं, प्रोफेशनल्स मतलब आपके मैनेजर्स, मैनेजर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता कस्टमर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय से नहीं होता। अब जैसे डायरेक्टर्स वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिलायंस की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें कौन आ जाएगा, जैसे मुकेश अंबानी जी और उनके जो भी अभी जो भी चेयरमैन बना है रिलायंस का, उनका जो बेटा है, ठीक है, जो उसका नाम याद नहीं आ रहा, अनंत अंबानी आई गेस, तो मतलब उनके जो दोनों बेटे और एक बेटी है, और भी लोग हैं जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल कम्युनिकेशन होता है क्या आपसे, आप उनसे डायरेक्ट बात करते हो, एम्प्लॉयज से वो डायरेक्ट बातें करते होंगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ओनर्स नहीं करते, इसीलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता और इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फिर इसके बाद आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब क्या है, अ कंपनी इन्वॉल्व्स वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच रिड्यूसेस फ्रीडम टू वर्क एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको इतना करना है, उतना करना है, इतना अपने यहाँ पे पैसा लगाना है, इतना यहाँ नहीं लगाना है, तो बहुत सारे मतलब परेशानियाँ हैं। अब इतनी सारी परेशानियाँ हैं तो भाई इनको पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, विच रिड्यूसेस फ्रीडम टू वर्क, वर्क काम करने की तुम्हें फ्रीडम ही नहीं रही, आपको बिल्कुल प्रेशर में हमेशा काम करना है कि इतना यहाँ वाह वगैरह वगैरह, तो जिसमें कि बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट सब कुछ वेस्ट होता है। तो न्यूमरस रेगुलेशंस यहाँ पे है। नेक्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बड़ी डिले हो जाती है, देर हो जाती है, कैसे, डिसीजन मेकिंग नीड्स टू फॉलो अ सेट ऑफ हायरार्की विच मे कॉज डिले इन टेकिंग डिसीजन एंड एक्शन। जैसे कि अब मान लो कोई चीज़ है, कोई सी कस्टमर को ना प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, ठीक है, अब कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो जाकर के रिलायंस की मैं बात कर रही हूँ, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी से तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता, वो जाके बोलेगा उस जहाँ से भी उसने लेट अस सपोज किसी भी शोरूम से उसने सामान खरीदा है, उस शोरूम की जिसने भी फ्रेंचाइजी ले रखी होगी वो जाकर के बोलेगा लेट अस सपोज कंपनी में जो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको, कंपनी में जो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बोलेगा उन एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बोलेंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ऐसे ऐसे करके हायरार्की है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होती है ना तो इन्हें क्या करना पड़ता है, कुल मिलाकर के बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है जिससे कि डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाती है, ठीक है। दे हैव टू फॉलो अ सेट ऑफ हायरार्की विच कॉज डिले इन टेकिंग डिसीजंस, राइट। फिर आता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की एज ए कुछ कोई ऐसी चीज़ जो मतलब बहुत लोगों का जब कंट्रोल होता है किसी चीज़ पर, एक्सेस कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स हैव वेरी लिटिल कंट्रोल, ये मैंने बता दिया, ओनर्स का शेयर होल्डर्स का लिटिल कंट्रोल है, कम कंट्रोल है, ना के बराबर है ओवर द रनिंग ऑफ बिजनेस। दस द डायरेक्टर्स टेक ऑल द डिसीजन। और कंट्रोल है किसका, डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो आपके मैनेजर्स हैं, तो कौन सारे डिसीजन लेगा, ऑब्वियसली मैनेजर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे, ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जब ये लोग सारे डिसीजन लेते हैं तो कभी कभी अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोच लेते हैं, विच मे एट टाइम्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल इंटरेस्ट। ही हो सकता है अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचें, जैसे कि मान लो मुकेश अंबानी जी हैं, अब वो कुछ मान लो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें कोई डिसीजन लेना है, कोई काम है,
तो वो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वो क्या करेंगे, पहले अपने जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बारे में सोचेंगे। मैनेजर्स उनके यूजुअली क्लोज पीपल ही होते हैं, ठीक है, तो वो उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूर होता है ऑल इंडिया के मैनेजमेंट, यानी कि एक ग्रुप का एक्सेस कंट्रोल होना, और वो एक ग्रुप यहाँ पर कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें हम मैनेजर्स भी बोलते हैं। और लास्ट आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देखो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू सेटिस्फाई एवरीवन एज देर आर टू मैनी स्टेक होल्डर्स विद डाइवर्स इंटरेस्ट। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो कुछ ही लोग होंगे, मैनेजर्स होंगे कुछ लोग, पर जो आपके ओनर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स या फिर आपका स्टेक होल्डर्स, वो लोग क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एन नंबर में होते हैं। अब उन सब के अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग आप कह लो उनके अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं। अब उन सभी को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर देखा जाता है यहाँ पे। और ये सारे हो गए इसके डीमेरिट्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ईजी सा टॉपिक है वैसे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब लास्ट आपका रहता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिंपल, ठीक है, टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किस बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका पब्लिक कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी, जो मैंने बता दिया था। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या सही होता है, देखो, इट मस्ट हैव मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 200, मतलब 2 या 200 से बीच में मेंबर्स होने चाहिए इसमें। 2 से 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 2 से कम, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम शेयर्स, मैंने बताया था ना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में, कि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है। फंड्स के नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से फंड जनरेट नहीं कर सकती, सिर्फ पब्लिक कर सकती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, वो ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स, ना ही वो जनरल पब्लिक को वहाँ से फंड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसे क्या करना पड़ता है, अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है, जैसे कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, और अडानी प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज है, तो इनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना है। ये तो हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, मिनिमम इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, ये समझ आ रहा है। प्राइवेट में क्या था, जल्दी से बताओ वो भी करके, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9 लिमिट। इसमें क्या है, फ्री टू ट्रांसफ़र शेयर्स, वहाँ पे हम फ्री नहीं थे शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए। इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यहाँ पे शेयर्स इशू कर सकते हैं और पैसा जनरेट कर सकते हैं, पर वहाँ पे वो शेयर्स भी इशू नहीं कर सकते थे और ना ही फंड्स जनरेट कर सकते थे जनरल पब्लिक से। और इन्हें क्या करना होता है, पब्लिक लिमिटेड यूज़ करना होता है या फिर सिंपल लिमिटेड, लिमिटेड भी यूज़ चलेगा। जैसे कि बहुत सारी ऐसी लिमिटेड कंपनी है, लाइक भारत इलेक्ट्रिकल्स हैवी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL लिमिटेड, भेल लिमिटेड जिसे हम कहते हैं, तो वो एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड लगाओ या फिर सिंपल लिमिटेड, पर प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना है। तो ये इसके चार डिफरेंसेज हैं, देखो इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम ईजीली समझ सकते हैं, ये है हमारा पब्लिक कंपनी, ये है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। इसमें क्या है, मिनिमम 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में, अगर शायद दिख नहीं रहा होगा को, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पब्लिक कंपनी में क्या चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए अपने को और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। पर प्राइवेट में क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ये भी है इजी। कैन इनवाइट जनरल पब्लिक, ये इन जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू बाय इट्स शेयर्स और वहाँ से फंड जनरेट कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, पर यहाँ पर ट्रांसफरेबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या है, इट कैन कमेंस देयर बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या है कि पब्लिक कंपनी के पास एक रिस्ट्रिक्शन है, अभी तक हमने देखा प्राइवेट के पास रिस्ट्रिक्शन थी कि फंड्स नहीं जनरेट कर सकती, शेयर्स नहीं इशू कर सकती और आपका जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती खरीदने के लिए, ये सब चीज़ें, शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है। पर यहाँ पे पब्लिक कंपनी के पास एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, क्या कि इसको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत करना, तो बिजनेस शुरू करने का एक सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होगा तभी शुरू कर सकती है। पर प्राइवेट के पास ऐसा नहीं है, इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसी कंपनी बन गई
तभी क्या होगा, ये आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए 5 लाख रुपए, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था ना, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते तो सबने मिला के जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख से अगर कम है, 4,99,999 भी है, ठीक है, 1 रुपया कम भी है तो नहीं जमेगी आपकी कंपनी पर, 5 लाख मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसे सिंपली लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड लिखना है, और यहाँ पे इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना है अपने नाम के आगे, मतलब नाम के बाद, ठीक है। तो ये हो गए आपके डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये अगर आपने ये चार्ट रट लिया या फिर समझ लिया तो आपको याद रहेगी। वैसे तो ईजी पॉइंट्स है, कुछ खास डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट है नहीं है, ओके। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो एक फॉर्म और मैं फटाफट से कर देती हूँ, ये ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, पांचों जो आपके फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें है इन पांचों का डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो बेसिस की बात करें हम, तो ये सारे बेसिस हैं आपके, ठीक है। क्या है, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे, मेम्बर्स के बेसिस पे, ठीक है, और आपका कैपिटल के बेसिस पे, लायबिलिटी हो गया, मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी, इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों को, एक तो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप, फिर हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जस्ट अभी जो हमने पढ़ा है। अब इन पांचों को एक बार सुन समझ लेते हैं अच्छे से क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन, उसमें ज़रूरी होता है, नहीं उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आता है आपका पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, चाहिए लो नहीं लेना मत लो, ठीक है। हिंदू फैमिली बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपलसरी है। तो कंपलसरी किस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, सी, दोनों सी में कंपलसरी है, कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और आपका ऑप्शनल किस में है, पार्टनरशिप में, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरी ही नहीं है कि लो। अब फॉर्मेशन की बात आती है, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, और किसमें नहीं है, बस इसमें, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं है। इसमें क्या है, पार्टनरशिप में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, हिंदू फैमिली बिजनेस में भी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसमें ज़्यादा होती हैं और इसमें भी। तो ज़्यादा किस किस में, देखो अभी तक दो चीज़ें, दो पॉइंट्स में सेम हैं, कोऑपरेटिव और आपका कंपनी के, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है और फॉर्मेलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती हैं। पार्टनरशिप और हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, आपका लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। मेंबर्स की हम बात करें तो देखो यहाँ पे मेंबर के नाम पे एक ही बंदा होता है, ओनर होता है, मैनेजर होता है, वही कंट्रोल करता है, क्योंकि सोल लिखा है नाम में, सोल मतलब इकलौता बंदा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम तो दो होने चाहिए, मैक्सिमम बैंकिंग में 10 और अदर्स में 20। अगर हम बैंक की एक पार्टनरशिप कर रहे हैं बैंकिंग में, तो मिनिमम मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और अदर्स में बाकी सब में मैक्सिमम 20। इसमें क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट, किस में, हिंदू फैमिली बिजनेस में। इसमें क्या है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम नो लिमिट। इसमें मिनिमम प्राइवेट में क्या था, प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या था, पब्लिक में आपका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है, और प्राइवेट में नहीं, एक्चुअली ये प्राइवेट का था, प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, पब्लिक में आपका 7 to अनलिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट में लिमिट है 200 की, पब्लिक में आपकी 7 अनलिमिटेड, ठीक है। फिर आपका आता है कैपिटल, कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, क्योंकि एक ही बंदा है, कहाँ से इतनी सारी कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लिमिटेड है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल ज़्यादा है थोड़ी सी सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कुछ लोग होते हैं जो कि अलग अलग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ी सी तो ज़्यादा ही होगी। यहाँ पे क्या है, कैपिटल के नाम पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, और ये ज़रूरी होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना, ये हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ पे क्या है, कैपिटल लिमिटेड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि ये छोटे छोटे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे ही नहीं है, तो उनके पास कैपिटल कहाँ से आएगा ज़्यादा। यहाँ पे भाई हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट अच्छा है उनका, उनके प्रॉफिट ज़्यादा होता है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है।
फिर आती है लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटीज की अनलिमिटेड होती है सोल प्रोफ्राइटरशिप की, अगर इसको घाटा हुआ तो इसका सब बच जाएगा। ऐसे ही पार्टनरशिप में उनका सब का सब कुछ बच जाएगा, पर यहाँ पे लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सिर्फ कर्ता ही, मतलब जो मेन हेड है अफर, बाकी सब की लिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, लिमिटेड होती है सबकी, और यहाँ भी सबकी लिमिटेड होती है, यानी कि जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना ही उतना शेयर होगा आपका लॉस में, यानी कि एक्स्ट्रा सामान आपकी पर्सनल असेट्स नहीं बिकेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो फोन करता है यहाँ पे ओनर ही करता है, जो ओनर है वही मैनेजर है, सब हो जाए। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता है, सारे पार्टनर सब मिलकर के करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट करता करेगा, यहाँ पे सब करता धरता करता ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी होती है और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा ये तो। ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पे अनस्टेबल रहती है, क्योंकि देखो एक ही बंदा है, उसका सब घर बार बिक गया, सब टूट फूट हो गई, या फिर उसका दिवालिया निकल गया, तो आगे फोन कंटिन्यू करेगा, तो कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, कंटिन्यूटी अनस्टेबल है। इसी तरह पार्टनर्स, इन सब की देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये रखा यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लाइबिलिटी होती है ये अनलिमिटेड है। अब सबकी लाइबिलिटी जब अनलिमिटेड है, सबका सब कुछ बिक गया, तो आगे कौन कंटिन्यू करेगा, आपका बिजनेस नहीं कर सकता ना, तो यहाँ भी बिजनेस मतलब कंटिन्यूटी अनस्टेबल रहती है। यहाँ पे कंटिन्यूटी स्टेबल रहती है, क्यों, क्योंकि एक की ही तो अनलिमिटेड है लाइबिलिटी, बाकी सबकी तो लिमिटेड है, बाकी सबका तो कुछ नहीं पता, तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो स्टेबल है, यहाँ भी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये स्टेबल है। तो जहाँ जहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होगी एक भी बंदे की, तो वो बिजनेस स्टेबल होगा, उसकी कंटिन्यूटी हो सकती है। जहाँ पर बिल्कुल सबकी अनलिमिटेड है वो अनस्टेबल है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर एज इन ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। एंड आई होप आपको इसी के साथ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट नहीं होगा, सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ के देखो सैम्पल पेपर्स चाहिए, ये मैंने सैम्पल पेपर्स इसीलिए ऑर्डर किए हैं जिससे कि मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कहते हैं प्रैक्टिस करा दो प्रैक्टिस करा दो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, पर यार मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसीलिए मैंने क्या किया, सैम्पल पेपर्स परचेज कर लिए। आपको इजीली मतलब अफोर्डेबल प्राइस में सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, आप उनको पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें टॉपिक्स हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन का, टॉपर जो आंसर लिखते हैं ना वो अलग से, उनकी फोटोग्राफ है, सब चीज़ें, और बहुत अफोर्डेबल है, आप एक खरीद के देख सकते हो। तो आपको क्या है, वेबसाइट पे जाना है सिंपली, इसी कमेंट में मतलब इसी वीडियो के पिंड कमेंट में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारे सैम्पल पेपर्स देख लेना, जो नहीं है अपलोड वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, डोंट वरी। और जो भी चाहिए आपको, अगर किसी और स्ट्रीम का भी चाहिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए चाहिए, तो आप उसको बोल दो, जिससे कि वो उनको मैसेज कर दे, हम और ऑर्डर करके आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें सिर्फ आपके लिए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप फ्रीली बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में कमेंट में बताओ, इंस्टाग्राम पर पर्सनली टेक्स्ट कर लो या कैसे भी कर लो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डोंट गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।